सुरेश अय्यर रोते रोते सुनाई अपनी जीवनी की कहानी। भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज सुरेश अय्यर बहुत ही कठिन दिन को पीछे छोड़कर अब दुनिया में अपना नाम कमा लिए हैं। दोस्तों, आप भी जानना चाहते हैं सुरेश अय्यर के पूरी जीवन की कहानी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, सुरेश अय्यर हाल ही में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे के एक मैच में 82 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी। दोस्तों, सुरेश अय्यर इस साल 17 पारियों में 724 रन भी बना लिए थे, जो अभी तक किसी भारतीय बल्लेबाज ने नहीं बनाया है। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में पूरी तरह चमक बिखेरने वाले सुरेश अय्यर ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए एक बड़ा खुलासा किया। दोस्तों, सुरेश अय्यर ने शो के दौरान इंटरव्यू में बताया कि कैसे उन्होंने दादी के गुजरने के बाद भी अंडर 24 में टीम इंडिया के लिए सिलेक्शन मैच खेला था। और दोस्तों, सुरेश अय्यर इस मैच में अर्धशतक भी लगाए थे। दोस्तों, बता दें कि सुरेश अय्यर जब 14 साल के थे तब उनकी दादी का निधन हो गया था। दोस्तों, सुरेश अय्यर ने यह भी कहा है कि सुरेश अय्यर के पिता उनके क्रिकेट जुनून से खुश नहीं थे और उन्होंने क्रिकेट छोड़ने के लिए भी बोल दिया था। दोस्तों, यह बात सुनकर सुरेश अय्यर हैरान हो गए थे। दोस्तों, बता दें कि सुरेश अय्यर का सपना सिर्फ रणजी में मुंबई की ओर से खेलना चाहते थे, लेकिन सुरेश अय्यर अपने पिता की बात को न मानकर अपने सपने पर ध्यान दिए और भारत के नंबर 1 क्रिकेटर बने। दोस्तों, अगर आप भी सुरेश अय्यर का एक बेस्ट खिलाड़ी मानते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।